और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर पूरी तरीका से निधि महाभारत स्टार्ट करती हुई नजर आने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि ये इसका एक बेहद ही बड़ा और एक सोचा हुआ प्लान है कि किसी भी तरीका से इन लोगों को मैं अपनी झांसे में ले लूँ और उसके बाद मैं इन लोगों के साथ में बेहद ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करूँ। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिरकार हो तो हो क्या और करे तो करे कोई क्या। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रीता के घर आ जाने के बाद में सभी लोग खुश हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर निधि ने तांडव कर रखा है। निधि ने अपने साथ में बोल दिया है कि सौर्य को मैं किसी भी तरीका से प्रीता के करीब नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते हैं कि रियलिटी समय क्या है और कुछ भी हो सकता है, ये एक बेहद बड़ी हकीकत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीका से ना ही निधि डर रही है कि किसी भी तरीका से मेरे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है, उल्टा तो निधि यहाँ पर सभी लोगों के जज्बातों के साथ में खेलती हुई और भी नज़र आ रही है। क्योंकि निधि दोस्तों इस समय ऐसा कार्य कर रही है कि उसे किसी की टेंशन भी बिल्कुल नहीं सता रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर साफ साफ इस चीज़ को बोलता हुआ नज़र आने वाला है करण कि निधि अब तुम यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती हो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर जल्द से जल्द निकलने की कृपा करो। आप लोग जानते ही हैं कि निधि किसी से नहीं डरती, बल्कि निधि को तो मानना यही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा राइट्स है। क्योंकि दोस्तों वो हर चीज़ को राइट्स से जोड़ देती है, अपने राइट्स से। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मेरा नाम है रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है।